Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक generalized reading लेकर आई हूं जो कि जुलाई 2022 के लिए है. आज की रीडिंग Gemini यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है. ये generalized reading है, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ completely resonate हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो. सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी आपका मून साइन का जोड़िक है उसकी रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स. मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ. सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो देखते हैं Gemini पीपल जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. जनरल एनर्जीज इस मंथ के लिए किस तरह की रहने वाली है. Gemini पीपल जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी इस मंथ. जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है. सो बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहां पर द फूल का कार्ड है, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, यहां पर सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड द लवर्स का कार्ड है. सो Gemini पीपल इस महीने में एनर्जी का एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने के लिए अपनी लाइफ में मिलने वाला है. वक्त का पहिया घूमने वाला है आपके लिए. टाइम बदलता हुआ नजर आ रहा है, चीजें चेंज होंगी, डिले पोस्टपोनमेंट खत्म होगी और लाइफ आपको एक मूविंग मोशन में नजर आएगी. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. इस महीने में आपको ट्रस्ट इश्यूज लोगों के साथ बहुत ज्यादा रहने वाले हैं. आप किसी के ऊपर इतनी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे Gemini पीपल. आप लोगों के साथ एक वॉल क्रिएट करके रखेंगे, आप लोगों के साथ एक दूरी बनाए रखेंगे ताकि आपको कोई हर्ट ना कर पाए. आप किसी के ऊपर इतना ज्यादा रिलाय इस मंथ में नहीं करने वाले हैं. यहां पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. इस महीने में एक्चुअली टू ऑफ स्वॉर्ड्स विद हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर एक चेंज आएगा, किसी एक स्फीयर में होगा ये, जो कि बहुत ही ड्रास्टिक होगा. अचानक से जो बैलेंस की सिचुएशन है वो इम्बैलेंस में चेंज हो जाएगी. आप क्रॉस रोड्स पर आकर खड़े हो जाएंगे. दो सिचुएशन में से किसी एक सिचुएशन को चूज करना आपके लिए डिफिकल्ट इस वजह से होगा क्योंकि आप किसी भी चीज को क्लैरिटी से नहीं देख पाएंगे. ठीक है, आपके लिए आपकी दुनिया ही उल्टी होती हुई यहां पर नजर आ रही है. अचानक से इस बदलाव को समझ पाना भी आपके लिए उतना आसान नहीं होगा. ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नेगेटिविटी आपके अराउंड है. ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज बढ़ती हुई नजर आ रही है. किसी एक स्फीयर में इस एनर्जी को आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं. यहां पर द फूल का कार्ड है. किसी एक स्फीयर में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं. आप उस अपॉर्चुनिटीज की ओर बढ़ेंगे और उसमें से एक अपॉर्चुनिटी को चूज करके आप बिना किसी बैगेज को कैरी किए अपने आप को केयर फ्री बनाते हुए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे.
ठीक है। सो ये किसी एक स्पेयर में होने जा रहा है, वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पर सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में इल्यूजन की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा रहने वाली है। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है इस चीज को समझ पाना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं रहेगी इस मंथ में। ओके, इस मंथ में कहीं से आपको कोई ऐसा प्रपोजल मिलने वाला है जो आपकी लाइफ को स्टेबल बनाएगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। किसी प्रपोजल का आपको इंतजार था तो वो प्रपोजल आपको मिलने वाला है। इन टर्म्स आप उस प्रपोजल को ग्रैब करने के बाद अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी महसूस करेंगे। ओके, यहां पर द लवर्स का कार्ड है। इस महीने में क्रॉस रोड्स की सिचुएशन तो यहां पर भी नजर आ रही है। एक चीज और है, आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो पास्ट लाइफ से आपके साथ कनेक्टेड होगा। ये पर्सन जरूरी नहीं है कि आपका सोलमेट हो या कोई लवर हो, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज लेकर आएगा। पास्ट से कोई पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। इस महीने में आप बच्चों के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे, आप अपने घर में टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे, आप अपने घर परिवार की ओर ज्यादा देखते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी पास्ट लाइफ के बारे में या जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है उसके बारे में भी ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पास्ट में आपने एक केयरफ्री जिंदगी बिताई है तो आप उस मेमोरी को चेरिश करने वाले हैं, उस मेमोरी के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं। इस तरीके की एनर्जी है। सो जेमिनी पीपल, ये आपकी जनरल एनर्जी है। सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जुलाई का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा? जेमिनी पीपल, जुलाई का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है? जेमिनी पीपल, जुलाई का महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा? एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर। यहां पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहां पर, यहां पर द हर्मिट का कार्ड है, टेन ऑफ कप्स का कार्ड है यहां पर, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ एक सेपरेटेड जोन में है। सो जेमिनी पीपल, इस महीने में आप कुछ नया अपने पार्टनर के रिगार्ड में जान पाएंगे, ठीक है। आपकी कोई एनलाइटनमेंट आपके इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में होने वाली है, जिसके बाद से आपका अपने इस रिश्ते को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ब्लेम कर रहे थे, वहीं पर आपको रियलाइज होगा कि आपके पार्टनर एक्चुअली आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, वो ट्रैप्ड हैं, और आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने इस रिलेशनशिप के लिए आगे को मूव करते हुए इस मंथ में नजर आ रहे हैं। चीजों को लेकर उतनी क्लैरिटी नहीं होगी आपको, लेकिन अपने पार्टनर को लेकर आप एक मन बना लेंगे कि आपको इन्हीं के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। आपके पार्टनर की तरफ से इस महीने में आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन आपके कई सवालों के जवाब आपको डेफिनेटली मिलेंगे, जिससे कि आप अपने इस लव लाइफ की एक डायरेक्शन चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जेमिनी पीपल, इस मंथ में आप एक ऐसी डायरेक्शन चेंज करेंगे जिससे कि आपकी लव लाइफ के अंदर एक नया मोड आएगा। आप बहुत ही इमोशनली कंटेंटेड महसूस करेंगे जब अपने पार्टनर के रिगार्ड में आप इतनी बात समझ जाएंगे, तो अंदर से एक कंटेंटमेंट आपको 100% महसूस होगी। आप इस मंथ में अपने इस रिश्ते के लिए एक वॉरियर की तरह फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इमीडिएट आपको एक्शन लेना चाहिए इस महीने में। अवेकनिंग के बाद भी
चीजों को समझने के बाद भी आपको डिले और पोस्टपोन नहीं करना है किसी भी चीज के रिगार्ड में। आपकी लव लाइफ को लेकर आपको बिल्कुल भी पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में नहीं जाना है। इस महीने में आपको एक ऐसा मौका भी मिलेगा, एक ऐसी डायरेक्शन भी मिलेगी जिससे कि आपकी जो लव लाइफ है वो सही हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग बन सकती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग आपको सराउंड करेंगे जो आपको बहुत ही नेगेटिव बनाएंगे आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर। आप अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रैप्ड उस टाइम पे महसूस करेंगे जब आपको एक्शन लेना होगा। सो अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालिएगा। आप जिस डायरेक्शन में इस मंथ में बढ़ने वाले हैं अपने पार्टनर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर, वो डायरेक्शन बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं जो लोग नॉन सेपरेटेड जोन में हैं। इस महीने में आप अपने रिलेशनशिप के प्रति अपना बिहेवियर चेंज करने वाले हैं। आप अपने लिए कुछ वक्त निकालेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी लड़ाई झगड़े में एंटर नहीं करेंगे। आपको ये महसूस होगा कि हर रिश्ते में हर इंसान को अपनी पर्सनल स्पेस मिलनी चाहिए और आप अपने पार्टनर को भी वो स्पेस देंगे और वो स्पेस आप खुद भी लेने वाले हैं। इस मंथ में आपकी लव लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा जिसमें आप सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचने वाले हैं। मैं इसे सेल्फिश एनर्जीज तो नहीं कहूंगी, ये एक सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज है। आप अपने रिलेशनशिप को, जैसे कहते हैं ना, रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कि जहां से आपने अपना रिलेशनशिप शुरू किया अपने पार्टनर के साथ, आप वहीं से ही इस रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू करने की कोशिश करेंगे, एक न्यूनेस लाने की कोशिश करेंगे आप अपने इस रिलेशनशिप में। और आपके पार्टनर पहले इस चीज को रेजिस्ट करेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके इस आइडिया में उनकी सहमति आपको मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे आपके इस आइडिया से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाएंगे। जब आपके पार्टनर आपकी इस एनर्जी को रेजिस्ट करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा सफोकेटेड महसूस करेंगे। उस टाइम पर अपनी एनर्जीज को आपको डाउन लेकर आने की जरूरत नहीं है। आपने जो डिसाइड किया है आप वैसा 100% कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक पेशेंस रखने की जरूरत है। इमोशंस को अपने पार्टनर को समझाने की जरूरत है, वो डेफिनेटली आपके इन इमोशंस को समझ जाएंगे। ओके, सो अब हम बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, बल्कि इस महीने में आप प्यार की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। नेचर के साथ आपका प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सेल्फ लव की एनर्जीज में आप ज्यादा एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ आप किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में एंटर करें। किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में एंटर करने का ये वक्त नहीं है, अपने जज्बातों को समझने का वक्त है, अपने जज्बातों को एक्सप्लोर करने का वक्त है, और आप उसी डायरेक्शन में इस महीने में बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपके लव लाइफ की एनर्जी जेमिनी पीपल आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं ये मंथ आपके बिजनेस, आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन के लिए किस तरह का रहने वाला है। जुलाई का मंथ आपके जॉब, आपके करियर, आपके फ्यूचर के लिए किस तरह का रहने वाला है, रिगार्डिंग योर बिजनेस, फाइनेंसेस, किस तरह का रहेगा ये मंथ। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, यहां पर सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो इस महीने में जेमिनी पीपल ये वक्त आपके लिए बदल रहा है। आपका जो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। इस महीने में आप फाइनेंशियली या जॉब के टर्म्स में या आपके बिजनेस की टर्म्स में आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में एंटर करेंगे। इन एनर्जीज को मैं सेल्फिश एनर्जीज नहीं कहूंगी, ये सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज है, क्योंकि इस महीने में एक वक्त का बदलाव है। क्या बदलाव है वो? आपके करियर में आपको एक स्टेडी ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है।
आप धीरे 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 चीजों की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अभी तक आपके पास जॉब नहीं है तो आप सर्च करेंगे पहले 10 दिन, 10 दिन के बाद आपको जॉब लग जाएगी, उसके बाद आपको वहां पर स्टेबिलिटी महसूस होने लगेगी और टू द लास्ट ऑफ द मंथ आपके मेहनत की, आपके टैलेंट की सराहना आपके आसपास वाले लोग करेंगे। लेकिन आपको इस तरह से बढ़ता हुआ देखकर आपके आसपास वाले लोग ज्यादा खुश नहीं होने वाले हैं। आपको कोई चीट या बैकस्टैप करता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आप अपने जॉब में बहुत डेडिकेशन के साथ काम करें, वहां पर आपकी वाहवाही हो और किसी को आपसे जेलसी हो, वो पर्सन आपको बैकस्टैप कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये पर्सन आपको चीट कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिजनेस में किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। इस मंथ में वैसे भी आपके ट्रस्ट इश्यूज लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी बात है। अगर आप किसी के ऊपर आंख बंद करके यकीन करते हैं, स्पेशली अपने बिजनेस के रिगार्ड में, अपने करियर के रिगार्ड में, अपनी जॉब के रिगार्ड में, वहां पर आपको धोखा जरूर मिलेगा। ठीक है, आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में या आप जॉब चाहते हैं फॉरेन की, तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, इस मंथ में मिलेगी। ठीक है, अबंडेंस की एनर्जीज में आप एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं इस मंथ में। एंड मोर ओवर इस मंथ में आप इतना कुछ हासिल करेंगे लेकिन एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आपको लगी रहेगी, आपको एक डर अंदर से सताता रहेगा, रातों को नींद नहीं आएगी अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर आप सोचते रहेंगे। ओवर एनालिसिस की एनर्जीज यहां पर बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। एंड इस मंथ में जो आपको मिलेगा वो चीज आपको उतनी सैटिस्फाई नहीं करेगी, आपको जो नहीं मिला है आप उसकी तरफ को भागते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो एक इस एनर्जी को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा, जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना ज्यादा बेटर है। ओके, सो अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन की एनर्जी को लेकर आइएगा। सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी जेमिनी पीपल। अब हम देखते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। जेमिनी पीपल, इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी, आपकी हेल्थ इस मंथ में किस तरह की रहने वाली है। जेमिनी पीपल, इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की रहेगी। बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, यहां पर 10 of Wands का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड 6 of Pentacles का कार्ड है। सो जेमिनी पीपल, इस महीने में अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहने की जरूरत है आपको। अपनी हेल्थ को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, बर्डन ज्यादा लेंगे तो हेल्थ ज्यादा खराब होगी, आपको मेंटल टेंशन ज्यादा रह सकती है इस महीने में और उसकी वजह से आपको हेल्थ के रिगार्ड में इश्यूज होंगे। हेल्थ को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, बैलेंस बनाना होगा हेल्थ के रिगार्ड में और पूरी स्ट्रेंथ से अपने हेल्थ के रिगार्ड में आपको काम करने की भी जरूरत है। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आप कुछ हीलिंग म्यूजिक सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे आपकी हेल्थ बेटर हो सकती है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं वो बीपी की प्रॉब्लम ज्यादा रह सकती है, आपके किडनी के रिगार्ड के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं ये मंथ आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह का रहेगा। क्या आपको इस मंथ में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे इस मंथ में। लेट्स सी दैट, क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे, क्या आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए इस मंथ में, क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे, क्या आपको फ्यूचर के रिगार्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस मंथ में। बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहां पर 8 of Cups का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द मून का कार्ड है यहां पर। सो जेमिनी पीपल, इस महीने में आपको बिल्कुल भी फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको कोई पर्सन ऐसे इल्यूजन की एनर्जी में डालेगा कि आप आज के टाइम पर इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप उसकी जो ये स्कीम है उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे।
और जहां समझेंगे नहीं वहां पर आपसे गलती होने के पूरे चांसेस हैं। इस बार स्टार्टिंग में ही आपका मन करेगा, आपको आपके सामने कोई ऐसी स्कीम होगी या ऐसी जगह होगी जहां पर आप बहुत ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, बट करिएगा मत, वो चीज आपकी शांति भंग कर देगी। इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि उस चीज से आपको ना तो कंटेंटमेंट मिलेगी और आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते रहेंगे। आप इन्वेस्ट एक बार कर देंगे, आपके दिमाग में होगा आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए, आपको इन्वेस्ट नहीं करना था, दूसरे इंसान ने आपको मैनिपुलेट करके इन्वेस्ट करवा दिया, तो शांति ही जिंदगी से चली जाएगी। इन्वेस्ट नहीं करना है। और इस मंथ में लैंड लेना चाहते हैं उसका आप टोकन मनी दे सकते हैं, लेकिन पोजीशन आप इस मंथ में नहीं लेंगे, ना लैंड की लेंगे, ना प्लॉट की लेंगे, ना आप फ्लैट की लेंगे, ना मकान की लेंगे, पोजीशन किसी की नहीं लेनी है। टोकन मनी देकर कुछ बुकिंग करवाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इस मंथ। ओके, सो आई होप जेमिनी पीपल आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं इस मंथ में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए एनर्जी किस तरह की रहने वाली है जेमिनी पीपल इस मंथ में। यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, यहाँ पर नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो सबसे पहले जो लोग प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, आपकी प्रमोशन 100% होगी, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे। जो लोग कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसके बाद डायरेक्ट जॉब लगनी है, उसमें आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे, 100% आपकी जॉब लगेगी। जो लोग कॉम्पिटेटिव्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें यहां पर मुझे फोकस की कमी नजर आ रही है, आपके इमोशंस आपको टिकने नहीं देंगे, आपके इमोशंस आपसे बार बार ये चीज कहेंगे कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका फ्यूचर नहीं है, उसमें आपका स्कोप नहीं है, और आपके अंदर एक फियर पैदा हो जाएगा कि आप शायद ये कॉम्पिटेटिव क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। इस एनर्जी को आपको रेजिस्ट करना है। इस मंथ में आपकी पढ़ाई के लिए, आपके कॉम्पिटेटिव के लिए सबसे अच्छी एनर्जी है। इस अपने डर को कंट्रोल कीजिएगा, आपका एग्जाम जरूर क्रैक होगा। अगर आपके पास लास्ट चांस है ना कोई भी एग्जाम देने का, ये चांस को ग्रैब कीजिए, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होगी, जो आपने सपने देखे हैं अपने फ्यूचर के रिगार्ड में वो सभी पूरे होंगे। लेकिन आप हेल्पलेस हैं, आप होपलेस हैं, इस एनर्जी को आपको कंट्रोल करना। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। सो बहुत अच्छी एनर्जी है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इस मंथ में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो जाएं, आप अपनी लाइफ के अंदर और पॉजिटिविटी ऐड कर पाएं। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। दो कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, लेट मी पिक देम अप। ओके, सो तीन कार्ड्स हैं एक्चुअली, दैट इज ग्रीन तारा मां का कार्ड है, यहां पर लेडी वीनस का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, व्हाट एल्स, फेजेस एंड साइकल्स का कार्ड है, लॉर्ड गणेश का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर असेंशन का कार्ड है। सो जेमिनी पीपल, इस महीने में आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिल रही है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी कुछ कार्मिक कॉर्ड्स कट होंगी, इस वजह से कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जो आपकी लाइफ के अंदर मेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, आपको लिमिट करने की कोशिश करेंगे, आपको हर लिमिटेशन के बियॉन्ड मूव करना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है आपको, ठीक है। और आपको जो भी मैं अपनी
एंजेलिक गाइडेंस और स्पेशली वेडनेसडे की जो एंजेलिक गाइडेंस पे मैं उपाय बताऊंगी वो आपको जरूर फॉलो करने हैं. एंजेलिक गाइडेंस मेरे दूसरे चैनल सोल डिवाइन जर्नी टैरो पर आते हैं. चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ. सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे. सो आपको वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस में जो भी उपाय बताऊंगी मैं वो आपको जरूर फॉलो करने हैं. यहां पर लेडी वीनस का कार्ड है. इस मंथ में आपके सामने इल्यूजन की एनर्जी के साथ साथ कुछ सच भी रिवील होंगे, और सच और झूठ में फर्क करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है. उसके लिए आपको डिवाइन के साथ एक डीप कनेक्शन बनाना है. आपको कुछ ड्रीम्स आएंगे, कुछ ड्रीम्स आपको सच्चाई लगेंगे, कुछ ड्रीम्स आपको इल्यूजन लगेंगे. उसमें फर्क बनाना आपको खुद ब खुद समझना होगा. उसके लिए आपको मेडिटेशन करनी है, और फ्राइडे की जो मेरी एंजेलिक गाइडेंस है उसमें जो भी मैं उपाय बताऊंगी आपको वो भी जरूर फॉलो करने हैं. यहां पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है. आप सेफ हैं. इस महीने में एंजल्स आपको सराउंड कर रहे हैं. जहां पर भी आप अपने आप को ट्रैप्ड महसूस करें आप अपने कंसर्न्स को डिवाइन के सामने सरेंडर कीजिएगा और देखिएगा किस तरह से मिरेकल्स होंगे. ओके, यहां पर फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है. देखिए, आपका एक साइकिल खत्म होने जा रहा है. अभी खत्म नहीं हुआ है, इस मंथ में खत्म नहीं हुआ है. अब जब ये साइकिल खत्म होगा तो कई इल्यूजन सामने आएंगे. इल्यूजन में से सच्चाई को पहचानना आपके लिए जरूरी हो जाएगा, और आपको उन इल्यूजन्स को रिलीज भी करना है. इसलिए वेडनेसडे की जो भी एंजेलिक गाइडेंस है उसके उपाय जरूर कीजिएगा. राहु के उपाय आपको जरूर करने हैं, अदरवाइज इल्यूजन आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी. ठीक है, यहां पर इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है. इस महीने में ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन ये ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे कम होंगे. आपको गणेश जी से सपोर्ट मिलेगी. आप गणेश जी की आराधना पूरे मंथ कीजिएगा. आपके सभी विघ्नों को गणेश जी हर लेंगे. ओके, यहां पर असेंशन का कार्ड है. इतनी टफ एनर्जी क्यों है? इतनी टफ एनर्जी इस वजह से है क्योंकि इस महीने में आपकी असेंशन होने जा रही है. आपको अपने सोल के साथ एक डीप कनेक्शन फॉर्म करना है. आपको जो भी अंधकार है उसे ऊपर उठना है, और अंधकार जो है वो बाहर है, अंदर उजाला करना है. आपको लाइट आपके अंदर ही है, उस लाइट को पहचानना है आपको. ओके, तो मेडिटेशन इस पूरे मंथ में आपको जरूर करनी है. ईश्वर के लिए थैंक यू ग्रेटफुल जरूर रहना है. ओके, सो आई होप जेमिनी पीपल आपको आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा. वेडनेसडे की एंजेलिक गाइडेंस के उपाय और फ्राइडे की एंजेलिक गाइडेंस के उपाय करना मत भूलिएगा आप. अगर उन्हें फॉलो करेंगे तो ये इल्यूजन की एनर्जी इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगी. सो अब देखते हैं डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं. जेमिनी पीपल इस मंथ में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. लेट्स सी दैट डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए. लेट्स सी. तो पहला कार्ड आपके लिए है वेलियंट करेज का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है. टेकिंग शेल्टर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है. सो जेमिनी पीपल, ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस महीने में आपको पैशनेट रहना है. आपको जो भी एक्शन लेना है उसे पैशन के साथ लेना है. आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं. इस मंथ में आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन को गो थ्रू करना है. आपको अपने तरीकों को बदलना है. आपको आपकी सोच को बदलना है. आपके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेस बहुत जरूरी है. ठीक है, सो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा. हालातों के चलते आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी. इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको रोकना नहीं है. यहां पर व्यू फ्रॉम अबव द कार्ड है. यहां पर डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है इस मंथ में, आपको उस प्रॉब्लम को अंदर से नहीं देखना है, उस प्रॉब्लम को ऊपर से देखना है. जब भी हम किसी चीज को ऊपर से देखते हैं तो
हमें बड़ा व्यू नजर आता है, और जब बड़ा व्यू नजर आएगा तो सॉल्यूशन आपको अपने आप मिल जाएगा। यहां पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, ये उनका मैसेज है आपके लिए, जिन सवालों के जवाब आप बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं, तो अपने अंदर से उन सवालों के जवाब को निकालिए बाहर। आपको आपके हर एक सवाल का जवाब आपकी सोल, आपकी इंट्यूशन ही देगी, और ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। आप ट्रांसफॉर्मेशन अपनी गो थ्रू करते हैं, आप इस मंथ की एनर्जी को अच्छे से हैंडल करते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है। ये चैलेंज आपको पार करके ही अबंडेंस मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई शॉर्टकट है, तो ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है, और इस जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस मंथ में आपको अपने जर्नी के ऊपर से कंट्रोल रिलीज करना है। आपकी जिंदगी कैसी होगी वो डिवाइन डिसाइड करेंगे, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल बनाना छोड़ दीजिए। ओके, सो आई होप जेमिनी पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।